मेरी सौंखा खितवास के बाद ना तो उसके करीब जाएगी और ना ही उससे बात करेगी। देर से अकल आ गई है मुझे। मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं कि जो डोरियां रब ने खुद अपने हाथों से बांधी हैं, उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। अंकल जी ने मुझे माफ कर दिया। आज मुझे यकीन हो गया कि तो वाकई में तेजो से सच्चा प्यार करता है। उसे पाने के लिए ना तुमने कोई अपनी हदें पार कर और ना ही तेजो को मजबूर किया। तेरे प्यार का यह ठहराव तेरे प्यार की गहराई बताता है। अंकल जी, मैं आपके इस भरोसे की हिफाजत अपनी आखिरी सांस तक करूंगा। कभी आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा और आपने तेजो के लिए जो भी सपने देखे वो मैं सब पूरे करूंगा। अब मेरी नजर तुझ पे हमेशा रहेगी। एक बार दिल तोड़ा है तूने उसका, अगर इस बार तूने कुछ ऐसा करने के बारे में सोचा भी ना तो तेरे लिए मुझसे बड़ा और कोई नहीं होगा फतेह। बॉक्सर मुबारका, तंबू गाड़ना सफल हो गया भाई। अंकल जी आप भी ना। कांग्रेचुलेशंस तेजो जी। थैंक यू सो मच भाई। आज बहुत खुशी का दिन है, सब जोड़े मिलके ना पूजा करेंगे। चलो। एक्ट्रेस बड़ी कमाल की है आप वैसे। आपको दहाड़े मार मार के रोना चाहिए, आप या मिठाइयां खा रही हैं, जश्न मना रही हैं, क्या बात है? Excuse me, क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि आपने इतनी मेहनत करके एक घटिया पंडित ढूंढा, फिर तेजो जी और फतेह की कुंडली बनवाई, उसमें दो कौड़ी का वो दोष डलवाया और किसी तरह रूपी अंकल तक ये कुंडली पहुंचा दी कि भाई वो मानते भी ना माने। हाँ, लेकिन हमेशा की तरह जैस्मिन जी आपकी किस्मत फूटी निकली। आपको पता है ना उस पंडित ने सारे किए कराए पे पानी फेर दिया, पुलिस के हत्थे चढ़ गया, वो न्यूज तो देखी होगी आपने। क्यों, अगर आपको ये लग सकता है कि ये सब मैंने किया है तो फिर मुझे ये क्यों नहीं लग सकता कि पापा तक कुंडली आपने पहुंचाई? क्योंकि मेरी नजर हमेशा आप पर है जैस्मिन जी। सबसे पहले मैंने आपको बूजों के साथ उस पंडित के ऑफिस के बाहर देखा, फिर मैंने आपकी ये घटिया भविष्यवाणी रूपी अंकल से सुनी, और मोगे का तो बच्चा बच्चा जानता है कि इन दोनों परिवारों के साथ कितने कांड कर चुकी हैं आप, तो इसमें भी आपकी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होगी, ऑब्वियस है नहीं? देखिए आपको जो सोचना है आप सोचिए मिस्टर। और वैसे भी दहाड़े मार मार के तो आपका रोना बनता है, आपकी तेजो जी किसी और की जो होने जा रही है। आपकी तेजो के लिए फीलिंग्स की असली होली तो आज चली है। चिंगारी आप मुझ में ढूंढ रहे हैं? वाओ, चिंगारी तो आप में भी चल रही है जैस्मिन जी, फतेह के प्यार की चिंगारी। ये अमरीक के साथ प्यार मोहब्बत शादी ये सब तो नाटक है। आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि आपके दिल में अब भी आपका फतेह है। पता है सब कुछ ना एक सपने की तरह लग रहा है। तेजो मुझे आज पूरी रात नींद नहीं आने वाली। अपने प्यार का जगराता जो सेलिब्रेट करता है। तो फिर आप पूरी रात जाग के अपने प्यार को सेलिब्रेट करो और साथ में ये भी सोचना कि मुझे खुश कैसे रखना है और पापा की शर्तें कैसे पूरी करनी है। तो मैं तो चली सोने।
और गुड नाइट कौन बोलेगा? गुड नाइट? नहीं नहीं नहीं, इतना सड़ा और बोरिंग से गुड नाइट नहीं चलेगा। तो फिर कैसा गुड नाइट चलेगा? लगता है आंखें बताना पड़ेगा। सोचना भी मत, तुमने ना पहले तंबू गाड़ के बहुत कुछ बता चुका है, और अब कुछ बताने की कोशिश की ना तो पापा का मन कभी भी बदल सकता है फतेह। अब तो बहुत देर हो गई मेरी जान। मतलब मम्मी पापा ना देख ले, बस बहुत अच्छा कि आपने जो फतेह को माफ कर दिया। अब तो ये बता कि मेरी तेजो खुश तो है ना? बहुत खुश है जी वो। अच्छा मैं एक बार देखा उसको। जाओ उसको देखे बिना नींद थोड़ी आएगी आपको। नहीं 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 फतेह, ये लड़का भी ना पूरा पागल है। पुत्र तो यहाँ यहाँ क्या कर रही है? ओ पापा, इतनी अच्छी हवा चल रही थी तो सोचा थोड़ा बाहर आ जाऊं। मौसम तो अच्छा है। मैं तो पुत्र बस ना तेरे चेहरे पे हंसी देखना चाहता हूँ। खुश रह। क्या बचपन है फतेह, और रब ना करे तुम्हें कुछ हो जाता तो? ऐसे कैसे हो जाता? तुम हो ना मेरे साथ। नहीं, पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। पर तुम भी प्रॉमिस करो कि आज के बाद मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने मुझसे बात ना करने की कसम खाई है? वो तो अच्छा हुआ दिलराज ने मुझे बता दिया, वरना मैं तो क्या? तुम तो जाके ट्रक के सामने खड़े हो गए थे ना, कभी भी कुछ भी करते हो वैसे, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया। अच्छा मामा, ओके, आई एम सॉरी एंड आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। नो मोर सीक्रेट्स, ऑलराइट? चलो अब तुम मुझे जल्दी से गुड नाइट बोलो और जाओ, मिल लिए ना मुझसे। अरे अभी कहाँ मिला? सुनो, दिल कितने जोर से धड़क रहा है। सुनो ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अगर तुमसे ना मिलता ना तो पूरी रात ऐसे ही तड़पता रहता। ऐसे किसी को तड़पाना अच्छी बात है क्या? बिल्कुल नहीं, ना ही किसी को तड़पाना और ना ही किसी को सताना जैसे तुम अभी मुझे सता रहे। थोड़ा सा तो रोमांस करने दो तेजो। ये रोमांस का लेवल कुछ ज्यादा ही ऊपर नहीं चढ़ रहा तुम्हारा। मैडम अभी रोमांस का लेवल आपने देखा ही कहाँ है, अभी तक तो बस ये रूठना मनाना, शर्मिंदगी, नाराजगी, झगड़ा, लड़ाई, बस यही सब चल रहा था। और मैं कब तक बचूंगी घर वालों से, किस किस को मना करूंगी? ये तुम्हारी टेंशन है, मेरा काम तो बताना, मैंने बता दिया। पागल हो तुम। तुम्हारे प्यार में अब तुम डिसाइड कर लो कि कल तुम्हें अपने गाल पे मेरा रंग चाहिए या मेरी किस। Good night. कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पानी तो बिक रहा है। आ जा इधर बैठ। फिर से डरावना सपना देखा? ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग मेरे पीछे मशाल लेके दौड़ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरा उस एक्सीडेंट की बात तुझे भूलना ही पड़ेगा, तुझे मोहन होने की कोशिश करनी पड़ेगी। हम एक काम करेंगे, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो काउंसलिंग करेगा, वो सब ठीक कर देगा। नहीं, मेरा
मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैं किसी को नहीं बताना चाहता कि मैंने एक आदमी का खून किया, मैंने इतना बड़ा गुनाह किया, मैं किसी को नहीं बताना चाहता। ओके 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 नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, कहीं जाएंगे, मैं हूँ मेरे पास, हम नहीं जाएंगे कहीं भी। तुम भी प्रॉमिस करो कि आज के बाद मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगे, नो मोर सीक्रेट्स, ऑलराइट? फतेह ठीक कहता है, अब हमारे बीच कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए। मैं बहुत जल्द उसे दारे वाला सच बता दूंगी, एक बार होली खत्म हो जाए बस। तुम कहाँ हो फतेह? और कब तक बचूंगी मैं इन सब से? फिर मत कहना कि हेलो, तुम लोग रेडी हो ना? हमें ये काम आज ही करना है। इतनी सुखी सुखी होली, तुम मुझे कलर नहीं लगाओगी? हाँ, लेकिन कलर मेरी होली तो अब जाके पूरी हुई है। तुम्हारी होली तो पूरी हो गई, लेकिन मेरी होली अभी बाकी है। यहाँ क्यों चुपके खड़ी हो दीदी? अब रंग मैं लगाऊंगा। एक सेकंड। फतेह आने वाला है, उसने कहा था कि सबसे पहले रंग वही लगाएगा मुझे। अभी से हक जताना शुरू कर दिया? अरे भाई है, हम हमारा भी हक बनता है, हम तो लगाएंगे कलर। देखो तुम क्या कर रही है तू, आराम से, अभी गिरती तो अच्छी खासी चोट लगती ना। थैंक यू जस्सू। अगर किसी भी सूरत में इनका विवाह होता है, या तो इन दोनों में से किसी एक की या इनके किसी प्रियजन की मृत्यु तय है। तेरा ध्यान कहाँ गया? यही है, तू देख के चला करना। अगर तू मुझे रंग लगाने के लिए आई है ना, तो जैसे सोचना भी मत। जी मैडम, मैं नहीं सोच रही, मैं तो फतेह के रंग लगाने से पहले तेरा रंग उड़ाना चाहती हूँ। ऐसी बस डरा रही थी, नहीं लगाऊंगी तुझे। आज तो सबसे पहला हक उसी का है। I'm sorry, sorry, वो। जनरल जी। चाकू, अपने भी चाकू रखे ना। वो मैडम जी। ये होली पार्टी में चाकू क्यों? वो मैडम जी। कौन हो तुम?